ठीक 10 साल पहले उसने आज जैसी ही दोपहरी में मुझसे पूछा था, रात को वहां चलोगे? मैंने कहा, वहां लड़कियों को नहीं जाने देते। उसने कहा, तो फिर मुझे किसी और लड़के से पूछना पड़ेगा, और हंसने लगी। शाम को वो मेडिकल चौराहे पर मेरे पास 5 मिनट खड़ी रही और मैं पहचान ही नहीं पाया। झूलती सी कमीज और जीन्स में उसने जब कहा चलें, तो सबसे पहले उसके बालों पर मेरी आंखें ठहर गईं। उसने शायद आज ही अपने लंबे बाल कतर दिए थे और अब दर्जा 9 के किसी उदास बच्चे की तरह दिख रही थी। और इस पूरे चांद की आधी रात में हम दोनों गंगा किनारे दारागंज के घाट पर चांदी सी चमकती ठंडी रेत पर बैठे थे। गंगा करवट लिए आंचल से मुंह ढांप कर सो रही थी, बिल्कुल खामोश, जैसे कान लगाए लोगों की बात सुनने को आतुर बूढ़ी औरतें। बिना एक शब्द बोले हम लोगों के जाने का इंतजार करते रहे। दारागंज का शमशान घाट अब भी लोगों से भरा था। रात के 11 बजे थे। उसने पूछा, तुम्हें याद है बाबा को सब लोग कहां लाए थे? मुझे याद था, महीने भर पहले ही गुरुजी की मिट्टी को गंगा किनारे जहां पुल के नीचे की ओर जलाया गया था, वो जगह मुझे अब भी याद थी। दूसरा पहर खत्म होने को आया और हम ठीक उस जगह की ओर बढ़ चले जिधर गुरुजी राख हुए थे। उस दिन भी वो आना चाहती थी, लेकिन घर की औरतों ने आने नहीं दिया। उस दिन भी उसके घर के बाहर मैं इंतजार करता रहा, बुखार से ज्यादा उसके दुख के ताप में झुलसता हुआ। महीने भर बाद हम दोनों एक अधजली चिता के सामने खड़े थे, ठंडी चांदनी में। वो हफ्ते भर में जर्मनी जाने वाली थी अपनी मां के पास, जिसे उसने तब तक सिर्फ 2 बार ही देखा था। पिता ने उसके पैदा होने के साल भर के भीतर आत्महत्या कर ली थी। मां वापस जर्मनी लौट गई और तब से गुरुजी ही उसकी लोरी और कंधे दोनों बन गए। वो गुरुजी की नवासी यानी उनके बेटे की बिटिया थी और मैं बाकियों की तरह गुरुजी का शिष्य। गुरुजी ने जिंदगी भर संगीत सिखाया था अनगिनत लोगों को, प्रयाग संगीत समिति में ही पढ़ाते रहे हमेशा। गुरुजी अपनी ऐनक और झोले की तरह उसे भी कभी नहीं भूले बरसों तक। वो संगीत को धिक्कारती थी, नफरत करती थी। जिंदगी से बदला लेने का उसका यही तरीका था। वो सिर्फ बेसुरे लोगों से दोस्ती करती थी और मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त था। शायद इसीलिए रात के तीसरे पहर गंगा के किनारे अधजली चिता को उसके साथ खड़ा निहार रहा था। गुरुजी को जहां जलाया गया था ठीक वहीं कोई लाश बीते पहर फूंकी गई थी। जब लाश के नातेदार दूर गंगा नहाने चले गए, तब उसने अपने कंधे से बैग उतारा और एक बांसुरी निकाली। पिछले साल से सीख रही हूं इंटरनेट से, उसने बिना मेरी तरफ देखे सिर्फ इतना ही कहा और सामने ठंडी होती चिता से 10 कदम दूर रेत पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने मदन मोहन का लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, अपनी बांसुरी पर बजाया, जैसे ठंडी होती चिता के अंगार को दम भर फूंक कर सुलगाना चाहती थी ताकि भस्म हुआ आदमी फिर से उठ खड़ा हो। लता जी के बाद उसकी बांसुरी ने मेरे लिए इस गाने को जिंदा किया। उफ, पूरे चांद की रात में ठहरी हुई गंगा के किनारे चिता के सामने उसने इस गीत को जिंदा कर दिया। जैसे कोई साधु मरघट की भस्म माथे पर मलकर जीवन का राग गाता हो।
उस रात ये राग ऐसा बहता था जैसे उसने कलेजे के खून से सींच कर ये बेमौसम फसल उगा ली हो। राग पहाड़ी उसने बांसुरी पर जो फूंकी तो गंगा किनारे हो गए पहाड़। भोर तक उस ठंडी चिता के सामने हम कुल 7 लोग बैठे थे, 3 मल्लाह, 1 साधु, 1 मैं, 1 वो और 1 हवा में घुल चुके उसके बाबा। एक बूढ़ा मल्लाह 2 घंटे में कई बार रो पड़ा, साधु आंख बंद करके जप में बैठ गया। एक मल्लाह ऊंघते हुए वहीं रेत पर लेट गया और उसने बांसुरी बजाते हुए एक बार भी आंखें खोलकर हम सब की तरफ नहीं देखा। भोर पकने लगी तो उसने ठंडी चिता के सामने दंडवत प्रणाम किया और शीशे के एक जार में थोड़ी सी राख उठा ली। मैंने कहा, लेकिन ये बाबा की राख नहीं है, जाने किसकी होगी। उसने सूज कर लाल हो चुकी आंखें उठाकर मुझे देखा और कहा, मिट्टी तो सबकी एक ही होती है ना। जाते हुए पीछे से बूढ़े मल्लाह ने आवाज दी, बिटिया। आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खूब खुश रहना बेटी। ऊपर पुल से सुबह की पैसेंजर धड़धड़ाती हुई निकल रही थी। हम वापस लौट रहे थे, उसी सुबह मैंने ईश्वर के हाथ चूमे थे और वो मुस्कुराया था। ऑटो में उसने बताया कि अब वो हमेशा के लिए जर्मनी जा रही है, म्यूजिक सीखेगी माँ के पास जाकर। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी एक पत्रकार हैं सुमित सिंह, उनकी लिखी हुई है, जो उन्होंने फेसबुक पे लिखी थी और मैंने उनसे इस कहानी को पढ़ने की इजाज़त मांगी थी क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत खूबसूरत लगी थी। इसमें प्रेम भी है, इसमें ना जाने क्या क्या है, ये कहानी सीधे दिल को छू लेती है। तो सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी कहानी पढ़ने के लिए, देने के लिए। सुमित पत्रकार हैं, पहले लल्लन टॉप में काम करते थे, उसके बाद बेटर इंडिया में और तमाम जगहों पर काम कर चुके हैं। तो उम्मीद है ये इश्क है इस शो की ये पहली कहानी है जो आपको पसंद आएगी। इससे पहले इश्क वाला लव के नाम से हम ये प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन इस साल क्योंकि सीजन 2 आ रहा है, इसका नाम हमने दिया है ये इश्क है। तो ये इश्क है की शुरुआत सुमित सिंह की कहानी से हुई है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।